हे गाइस, वेलकम टू सबलाइम रिव्यूज़। तो आज की वीडियो में हम हॉकआई का एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में जाते हैं ईयर 2018 में, जहाँ पर हम येलेना को उसकी एक और ब्लैक विडो साथी सोनिया के साथ देखते हैं। वो एक घर में होते हैं, वहाँ पे वो एक ब्लैक विडो लड़की जिसका नाम एना होता है, उसे वहाँ रेस्क्यू करने आए होते हैं, जिसको हम ब्लैक विडो मूवी में देख चुके हैं। फिर वो किसी तरह लड़के एना पे एंटीडोट का यूज़ करके हैं। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि एना कभी किसी के वश में नहीं थी, वो ब्रेन वॉश नहीं थी, वो बस पैसों के लिए लोगों को मार रही थी। और उसने ये काम करके इतना पैसा कमा लिया था कि वो एक बड़े घर में रह रही थी, जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। येलेना को यह बात शॉकिंग लगती है। फिर वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर येलेना वॉशरूम यूज़ करने जाती है। फिर तभी कुछ सेकंड्स के लिए येलेना वहाँ से गायब हो जाती है। वो डस्ट में बदल जाती है थैनोस के स्नैप की वजह से, लेकिन फिर कुछ पल बाद वो वापस आ जाती है। लेकिन अभी वो जिस रूम में है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि थैनोस के स्नैप की वजह से कोई मरता है, फिर वो उसी पल वापस भी आ जाता है। फिर जब येलेना उस बदले हुए वॉशरूम में से बाहर आती है, तो वो देखती है कि यहाँ पे एक फैमिली रह रही है। ये फैमिली एना की होती है और उसकी एक बेटी हुई है। फिर एना उसके बाद येलेना को सब कुछ समझाती है कि क्या हुआ इन 5 सालों में, कैसे सब कुछ बदल गया। फिर येलेना एना को बोलती है कि मुझे नताशा को इन्फॉर्म करना होगा कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन येलेना को ये नहीं पता कि नताशा मर चुकी है। उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था इन्फिनिटी स्टोन्स के बदले, जो हमने एवेंजर्स एंडगेम में देखा था। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में आ चुके हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि केट बिशप जो अपने घर पे पहुँच चुकी है और काफ़ी इंजर्ड है, और फिर वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि कैसे क्लिंट ने उसे बचाया और उसने उससे दूर रहने को कहा है। केट की माँ उसको मरहम पट्टी लगाती है और उसे मोटिवेट करती है। केट बहुत दुखी होती है। फिर केट एलेनोर को जैक के उसके ब्लैक बिजनेस के बारे में बताती है कि कैसे वो स्लोन नाम की कंपनी रन करता है और कैसे वो लोन शार्क का बिजनेस रन करता है। फिर वो उस बात को अपने आप तक ही रहने को कहती है। जैक को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। फिर वो केट से कहती है, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बस अपना सारा सामान लेके घर वापस आ जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि माया भी काफ़ी इंजर्ड है और काजी उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। माया काजी को ये बताती है कि उस रात वहाँ कोई और भी था, लेकिन वो नहीं जानती कि वो आखिर कौन था। फिर काजी माया को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा रोनिन को ढूँढने में, लेकिन उसके बाद तुम ये सब कुछ छोड़ दोगी। फिर माया उसे प्रॉमिस करती है। अब हम देखते हैं कि केट अपने पुराने अपार्टमेंट में आती है जो कि जल चुका था, और वहाँ पर येलेना उसका वेट कर रही होती है। उसने केट के लिए मैक्रोनी एंड चीज़ बना के रखा है। और फिर येलेना केट को उसके साथ खाना खाने को बोलती है। केट काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि अभी वो उसके साथ लड़के आ रही है और वो अब उसे खाना खाने को बोल रही है। येलेना कहती है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुकी होती। वो बस वहाँ पे उससे कुछ बात करने आई होती है। हॉकआई भी वापस अपार्टमेंट में पहुँचता है, जहाँ पे उसे ग्रिल मिलता है। और हम यहाँ पे फिर से केट और येलेना के बीच में बात को देखते हैं। वो केट को कहती है कि मुझे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखनी है और उसके साथ न्यू इम्प्रूव्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखनी है। क्लिंट की बहुत बुराई करती है, कहती है कि उसने बहुत लोगों को मारा हुआ है, लेकिन केट यहाँ पर क्लिंट की साइड लेती है। उसने बताया कि वो एक एवेंजर है और उसने काफ़ी लोगों को बचाया है। लेकिन फिर येलेना कहती है कि उसकी बहन ने पूरी दुनिया को बचाया था। तब केट को पता चलता है कि ये येलेना नताशा की बहन है। केट फिर येलेना को कहती है कि कुछ लोग अगर मरते हैं तो कुछ लोग बचते भी हैं। क्लिंट ने जितनों को मारा है उससे ज़्यादा को बचाया है। फिर येलेना बातों बातों में ये रिवील करती है कि क्लिंट को मारना उसका असाइनमेंट है, और जब वो मर जाएगा तब उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर वो वहाँ से चली जाएगी। फिर केट कहती है कि सोचो वो कितना बुरा होगा जिसने तुम्हें क्लिंट को मारने के लिए असाइनमेंट दिया है। येलेना केट को कहती है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना और मैं क्लिंट को मार के रहूँगी। और फिर येलेना ये धमकी देने के बाद वहाँ से चली जाती है।
अब नेक्स्ट सीन में हम क्लिंट और बिल को देखते हैं। वहाँ पे हम ये पता चलता है कि केट और क्लिंट के लिए नया सूट तैयार है। सीन में हम केट को देखते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि केट की मॉम ने पुलिस को बुला लिया है जैक को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जैक कहता है कि घबराओ मत, मुझे गिशी ने फंसाया है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। आगे हम एक मेमोरियल को देखते हैं जिस पे यह 2012 में एवेंजर्स की लड़ाई में शामिल एवेंजर्स का नाम लिखा होता है। क्लिंट इसको देख के काफ़ी इमोशनल फील करता है। फिर वो कहता है कि नताशा, तुम हम सब में से सबसे ज़्यादा लॉयल, ब्रेव और स्ट्रांग थी और तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए। मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारा और काश मैं तुम्हारी जगह होता। मुझे माफ़ कर देना जो कि मैं आगे करने जा रहा हूँ। इसके बाद क्लिंट वहाँ से चला जाता है। केट क्लिंट को बार बार कॉल और टेक्स्ट करती है उसे ये मैसेज देने के लिए कि जैक को अरेस्ट कर लिया गया है और जिस लड़की ने उन पर हमला किया था उसके बारे में तुम्हें कुछ बताना है। फिर केट कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हम दो माफिया के बंदों को देखते हैं जो कि एक ट्रक में कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो ट्रैफिक लाइट पर रुके होते हैं, तभी उनकी ट्रक के विंडशील्ड पे एक एरो लगता है। उस एरो में एक मैसेज होता है, उसमें ये लिखा होता है कि मुझे वहाँ पे मिलो जहाँ पे तुमने रोनिन को पहली बार देखा था। ये मैसेज माया के लिए होता है ताकि ये दोनों ये मैसेज माया को बता दे। आगे क्लिंट अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। माया को वो वॉच मिल चुकी है और वो उसकी फैमिली के पीछे आ सकती है और येलेना भी आ चुकी है उसे मारने के लिए, और अगर इन सब को हैंडल नहीं करा तो वो बिग गाय भी इसमें शामिल हो सकता है। यहाँ बिग गाय का मतलब किंग पिन से है। फिर लॉरा उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जो भी कुछ करोगे वो ठीक करोगे। अब हम माया को देखते हैं जो कि रोनिन का वेट कर रही है और साथ ही में ट्रैकसूट माफिया के लोग भी इधर उधर छुपे हुए हैं। काजी वहाँ पर स्नाइपिंग कर रहा होता है, तभी उसके पीछे हम रोनिन की स्वॉर्ड को देखते हैं और वो फिर रोनिन उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद रोनिन बाकी माफिया के मेंबर्स को भी बेहोश कर देता है और फिर फाइनली माया के पास पहुंचता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, रोनिन यहाँ पे जीत जाता है और फिर वो अपना मास्क रिमूव कर देता है। और फिर क्लिंट कहता है कि अगर मेरे फैमिली के पीछे कोई भी आया तो उसका जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद क्लिंट उसको ये बताता है कि तुम्हारे बॉस ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हारे फादर को मारने के लिए। ये बात सुन के माया को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर उस पर अटैक करती है। लेकिन तभी वहाँ पे केट बिशप आती है और माया जब क्लिंट पे उसकी शॉट से अटैक करने वाली होती है तब केट बिशप का एक एरो उसको रोक देता है। और इसी बीच फिर केट और क्लिंट वहाँ से निकल जाते हैं और माया भी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अभी माया काफ़ी कुछ सोच रही है, तब काजी वहाँ पे आता है और माया से पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं और तुमने रोनिन को मारा कि नहीं। फिर माया कहती है कि उसने रोनिन को नहीं मारा। फिर माया काजी से पूछती है जिस दिन अटैक हुआ था तुम उस दिन मीटिंग में क्यों नहीं आए थे, तुम तो बॉस के राइट हैंड थे। फिर यहाँ पे काजी कहता है कि शायद मुझे किसी ने बुलाया नहीं होगा। फिर माया समझ जाती है कि शायद काजी ही था जिसने रोनिन को टिप दी थी। माया बात समझ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर अब केट और क्लिंट जब गाड़ी में होते हैं तो केट उसे एक और बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो लड़की उससे मिलने आई थी जिसने उन पर अटैक किया था और उसने ये बताया है कि वो नताशा की बहन है। क्लिंट कहता है तुम येलेना की बात कर रही हो, वो कहती है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि येलेना केट की मॉम का पीछा करते करते उसकी बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है और उसको ध्यान से देखती है। और यहाँ पर क्लिंट, केट, ग्रिल और पिज़्ज़ा डॉग आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर केट के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि केट बिशप, मुझे पता चल गया है मुझे किसने हायर करा था, एलेनोर बिशप ने, यानी कि केट की मॉम ने, और तुम ये बात जानना डिज़र्व करती हो। ये मैसेज येलेना का था। और फिर केट फ़ोन क्लिंट को देती है और उसमें एक पिक्चर होती है किंग पिन और एलेनोर की साथ में। और यहाँ पे 5th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये था हॉकाई का एपिसोड 5। इस सीरीज़ की बाकी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी चैनल पे है, वो जाके आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।